वेलकम बैक, यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 6 मई को पूरे देश के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आपको बता दें कल फिर बिगड़ सकता है मौसम, अंडमान सागर से आएंगी तूफानी हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बुधवार को अंडमान सागर में चक्रवाती गतिविधियां हुई थी जो शुक्रवार को फिर से होंगी। इसके साथ ही यह उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ेंगी। यूपी में 3 दिन तक बारिश का अनुमान। बुधवार को उत्तर प्रदेश में भी मौसम सुहावना हो गया था, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली थी। दक्षिण पूर्वी हवाओं की वजह से मौसम में तब्दीली आई है। प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि ओलावृष्टि और बारिश का असर गुरुवार को भी बना रहेगा। दिल्ली में शुक्रवार से तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी और रविवार से लू की स्थिति लौटेगी। 87 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान। मौसम विभाग ने सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और छुटपुट बारिश का अनुमान है। प्रतापगढ़ और जौनपुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, यहां तेज बारिश के साथ आंधी की आशंका है। गाजीपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, मऊ, बलिया, देवरिया जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इन 12 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, उनमें प्रयागराज, गोरखपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, प्रयागराज, मऊ, बलिया, देवरिया, प्रतापगढ़ और जौनपुर, कौशाम्बी है। मौसम विभाग ने प्री मॉनसून बारिश का अलर्ट भी जारी करते हुए 15.5 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना जताई है। इससे पहले बीते 24 घंटों में 0.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 8 मई से विदर्भ, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोगों को लू झेलना पड़ेगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बुधवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हुई और तेज हवाएं चली। इससे दिल्ली वालों को पिछले 2 से 3 हफ्तों से पड़ रही चिलचिलाती और भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी की स्थिति और एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते भी बारिश नहीं हुई। आईएमडी ने लोनी देहात, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन और गाजियाबाद सहित एनसीआर के आसपास के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश का अनुमान जताया है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह। उमा शंकर दास ने कहा कि समुद्र में हलचल रहेगी, इसके चलते अंडमान सागर क्षेत्र, पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उनका कहना है कि जब निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा तब मौसम विभाग बता पाएगा कि किस समुद्र तट की ओर हवाएं आएंगी। हरियाणा और पंजाब में बारिश। हरियाणा और पंजाब में बुधवार को बारिश हुई जिसके चलते लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। चंडीगढ़ से लगे पंजाब के मोहाली और हरियाणा के पंचकुला में भी बारिश हुई है। चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान बीते कुछ दिन से सामान्य से काफी अधिक रहा है। चंडीगढ़ के निवासी ललित गोयल ने कहा कि बारिश के चलते लोगों को चिलचिलाते धूप से थोड़ी राहत मिली है। और अब बिहार का मौसम। बिहार के कई जिलों में आज भी बारिश के आसार है, यहां अगले हफ्ते तक लू लोगों को परेशान नहीं करेगी। उत्तर व पूर्व बिहार के कई जिलों में आंधी पानी के कारण बुधवार को राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे पहुंच गया है। दक्षिणी बिहार में यह 2 से 3 डिग्री और उत्तर बिहार में 3 से 7 डिग्री नीचे तक दर्ज हुआ है। दक्षिणी बिहार के कई जिलों में रात का पारा सामान्य से 4 डिग्री तक अधिक है। ये जिले दक्षिणी पश्चिमी बिहार से जुड़े हैं। 6 मई तक प्रदेश के 26 से अधिक जिलों में आंधी और पानी के आसार बने रहेंगे। और अब चले झारखंड के मौसम की ओर। झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला सा देखने को मिल रहा है। बारिश हो जाने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। राज्य के कई जिलों में आगामी 10 मई तक बारिश की संभावना है। बुधवार को दोपहर बाद रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई, इससे मौसम खुशनुमा हो गया है। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें यूएमबी न्यूज़।